हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। और आज फ्रेंड्स, मैं अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो छोटा सा ही रहेगा, भागम भाग ही रहेगा, बहुत कुछ मैं नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन चलिए अभी मैं मॉर्निंग से शुरू करती हूँ। और मेरे पास अब आज सब्जी में ना बैंगन, मिर्ची, टमाटर ऑनली इतना ही सब्जी है। तो बस मैं बैंगन की सब्जी नहीं बना रही, फटाफट आलू और सोयाबीन न्यूट्रोला की सब्जी बना रही हूँ, तो आपके साथ वो शेयर करूँगी। जल्दी मैं आलू न्यूट्रोला की सब्जी कैसे बनाती हूँ वो शेयर करूँगी। और क्या बोलना चाहिए, मेरा अभी झाड़ू लग चुका है फ्रेंड्स, मैंने ब्रश भी कर लिया है, लेकिन अभी चाय नहीं पी हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी बस सिर्फ उठते साथ सीधा मैंने झाड़ू ही लगाया, ब्रश करी, फेस वॉश करी, उसके बाद मैं आके आप लोग से बात कर रही हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स किचन में, फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद मुझे नहाना भी है और जाना भी है, जैसा मैं दिखाई हूँ। तो सबसे पहले मैं चलकर चाय बैठाती हूँ और सब्जी कट कर लेती हूँ सोयाबीन के लिए। चलिए फटाफट किचन में चलते हैं। बस फ्रेंड्स, किचन में आ गई हूँ और ये मैं ना सबसे पहले ग्लास ओपन कर दे रही हूँ, तो कुछ इस टाइप का ही व्यू रहता है सुबह का। और फटाफट ना दूध निकाली हूँ, चाय बैठा दे रही हूँ पीने के लिए। और ये आटा मैं सानती हूँ ना जब भी, अगर रात में तो थोड़ा सा सुबह के लिए सान के रख ही देती हूँ, तो वही डब्बे में था। और आलू निट्रोला की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 आलू लिया है फ्रेंड। सबसे पहले आलू को छील लूँगी और साथ में ही डब्बे में से ना निट्रोला निकाल के एक बाउल में डाल रही हूँ और इसमें ना पानी डाल के रख दूँगी, जिससे निट्रोला थोड़ा सा पानी में ना फूल जाता है। मैं ऐसा ही करती हूँ और थोड़ा सा इसमें नमक भी डालती हूँ। पहले एक बार निट्रोला को धो भी दे रही हूँ क्योंकि सूखा रहता है और डायरेक्ट मार्केट से आया हुआ रहता है, तो एक बार धो दी हूँ और उसके बाद इसमें पानी और नमक डाल के रख दूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ना आलू को छील ले रही हूँ आलू निट्रोला की सब्जी बनाने के लिए, और इधर मेरा चाय बन रहा है। तो बस फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का ही रूटीन है मेरा जो मैं डेली कर रही हूँ, वही आप लोग से शेयर कर रही हूँ। बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। तो बस आलू छिल गई है, एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, बस प्याज काट ले रही हूँ फ्रेंड्स। और इसके बाद दिखाती हूँ कि ऐसे मैं झटपट बनाऊँगी आलू सोयाबीन की सब्जी। फ्रेंड्स, तो एक आलू जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया ना, एक आलू बीच से ख़राब निकला तो उसको मैं फेंक दी हूँ, और बाकी मैं 4 आलू को ही कट कर ले रही हूँ और एक बड़े साइज़ का प्याज ली हूँ। लगभग आलू सोयाबीन की सब्जी बना रहे हैं और झटपट बना रहे हैं, तो आलू और प्याज बराबर ही रहेगा और टमाटर भी बराबर ही रहेगा, क्योंकि मिलजुल कर ही एक ग्रेवी बनता है और फिर उसके बाद सोयाबीन की झटपट सब्जी टेस्टी लगती है। अदरवाइज़ सोयाबीन का बहुत ही अच्छा मसाले में भी सब्जी बनता है, कभी टाइम रहा तो मैं बिल्कुल आप लोग को दिखाऊंगी। इधर मेरी चाय बन चुकी है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले चाय को मैं छान ले रही हूँ और साथ में कुकर भी बैठाऊंगी और ये कचड़ा वगैरह साफ कर दे रही हूँ। मेरे घर के बाहर में फ्रेंड्स बहुत सारे लोग सुबह सुबह ना बेचने के लिए आते हैं कोई भी सामान, कारपेट, झाड़ू पोछा, फिनाइल, तो बस वो खिड़की के पास अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वो एक बार ज़रूर देख के बोल कर जाएंगे कि कुछ ज़रूरत है तो ले लें। उसी तरीके से सब्जी वाला भी आता है, डेली आता है, अगर मार्केट नहीं भी गए तो घर के बाहर ठेला आता है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। फटाफट जो भी 2-3 बर्तन भी निकलते रहता है फ्रेंड्स, तो मैं धोते चले जाती हूँ क्योंकि फिर एक साथ ना बर्डन हो जाता है और फिर टाइम देखते हुए काम भी करना है। और मैं बताई, जैसा कि मैं सो के भी देर में ही उठी हूँ, है ना, तो बस फटाफट ये देखिए कुकर में गरम हो गया है, मैं इसमें तेल डाल दी हूँ और इधर
चाय भी रखी हूँ, बस छान ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड को गरम गरम चाय पीते हैं, मैं उतना गरम नहीं पीती हूँ, तो थोड़ा सा रुक कर ही पीऊँगी। और ये देखिए, छोटे कप में ही मैं ले रही हूँ, क्योंकि बड़ा कप अभी रूम में ही है, तो फटाफट अभी छोटे कप में ही ले ले रही हूँ। और सब्जियों के लिए मुझे लहसुन भी छीलना है, तो बस चाय मैं देकर आ गई हूँ फ्रेंड्स। और लहसुन छील ले रही हूँ, कट करके छोटे छोटे कटोरी में रख ले रही हूँ। तो कुछ इसी टाइप का रहता है फ्रेंड्स मेरा सुबह का भागम भाग, इसी टाइप का लाइफ है फ्रेंड्स मेरा। और मैं अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ यूट्यूब के ज़रिए से। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोग को कैसा लग रहा है। मेरा एक पैशन भी है, मैं अपने पैशन को सामने लाने का कोशिश कर रही हूँ। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताइएगा। एक छोटा सा प्याज और कट कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं। सा प्याज इसलिए भी कट कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं प्याज और ना मिर्ची से ना चावल को भी बघारूंगी छौंक लगा के, इसके बाद मैं चावल बनाऊंगी। आज जीरे का छौंक नहीं लगाऊंगी, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को जीरा राइस या फिर इस टाइप का राइस ही पसंद है, प्लेन राइस उतना पसंद नहीं है। तो ये देखिए, मेरा कुकर थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया आप लोग से बात करने के चक्कर में। तो बस फटाफट थोड़ा सा सरसों डाली हूँ फ्रेंड्स, जीरा डालती बट अभी मसाले के डब्बे में नहीं था। ये मैंने कम से कम 8-10 लहसुन कट करके लिया है। और इसके बाद आलू डाल रही हूँ, आलू थोड़ा सा फ्राई होगा, इसके बाद मैं प्याज डालूँगी। प्याज पहले ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि प्याज बहुत जल्दी ना ब्राउन हो जाता है। तो बस ये देखिए, इसके बाद आलू डाल दी हूँ और चला ले रही हूँ। थोड़ा सा आलू भून जाए, इसके बाद मैं प्याज भी ऐड करूँगी। तो ये देखिए, प्याज भी मैंने डाल दिया, हल्का आलू मेरा हल्का फ्राई हुआ इसके बाद। और फटाफट 3 मीडियम साइज़ का टमाटर ली हूँ, बिल्कुल रेड कलर का। टमाटर का रेट अभी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई फाई चल रहा है फ्रेंड्स, 40 रुपीज़ केजी मिल रहा है और 35 रुपीज़ आलू मिल रहा है। तो अभी सब्जियों का थोड़ा सा रेट ज़्यादा ही चल रहा है। आप लोग के तरफ क्या रेट चल रहा है मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो बस साथ ही साथ जो भी कचड़ा वगैरह रहता है वो भी साफ़ करते चले जाती हूँ, नहीं तो बहुत ही बिखरा बिखरा किचन अच्छा नहीं लगता है देखने में, अपने आप में काम करने में भी अच्छा लगता है, इसलिए क्लीन करती हूँ। तो आलू प्याज मेरा फ्राई हो गया है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं मसाले का डब्बा भी अभी खाली है, धो के रखी हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है सारी चीज़ों को बॉक्स में शिफ्ट करने का। तो बस करूँगी, देखूँगी आज रात में। तो बस मैं 1 टीस्पून डाली हूँ फ्रेंड्स धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और कैच का गोलकी पाउडर डाली हूँ, कैच का काली मिर्च पाउडर। और इसके बाद मैंने ऐड किया है 1 चम्मच किचन किंग मसाला, और इसके बाद 1/2 टीस्पून देगी मिर्च। बस इन सभी मसालों को हल्का सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि तेल है और डायरेक्ट खाली पाउडर मसाला है तो जल जाएगा। तो बस एक बार चलाई हूँ और इसके बाद टमाटर को ऐड कर दूँ। टमाटर इसलिए मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रखा है, क्योंकि एक ग्रेवी इसी का ही बनेगा फ्रेंड्स। तो बस हल्का फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं तेल भी सेपरेट हो रहा है कढ़ाई में, सॉरी कुकर में। और इसके बाद ना जो मैंने सोयाबीन लेके पानी में डाल के रखी थी नमक डाल के, तो उसके साथ में ही ऐड कर दी हूँ, और थोड़ा सा नमक टेस्ट अकॉर्डिंग और डाली हूँ ग्रेवी के लिए भी। तो बस, और 2 सीटी लगा दूँगी फ्रेंड्स। और पानी में डाल के रखने से ना सोयाबीन को थोड़ा सा, सोयाबीन और अच्छा सॉफ्ट होता है, उतना हार्ड नहीं रहता है। और इसके बाद ढक्कन ढक करके 2 सीटी लगा दूँगी। तो बस साइड में शिफ्ट कर दी हूँ, और इसके बाद तावा बैठाई हूँ। रात में जो आटा सान के रखी थी फ्रिज से, मैंने पहले ही आटा को बाहर निकाला था थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बोल के। तो बस अपने लिए रोटी बना रही हूँ फ्रेंड्स, रोटी में ही तेल लगा दूँगी, और हस्बैंड के लिए पराठा बनाऊँगी, क्योंकि उनको पराठा खाना ही पसंद है, खुश हो जाते हैं अगर पसंद का खाना रहता है तो। तो बस पराठा बनाऊँगी, अपने लिए रोटी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, और जल्दी के लिए, और एक पराठा खा के जाने के लिए अपने लिए भी बनाऊंगी। बाकी रोटी बना के इसमें ही ना तेल लगा दूंगी, तो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, और टिफ़िन वगैरह में प्लेन रोटी अच्छा नहीं लगता है, बटर घी या फिर ऑयल भी लगा दो तो ठीक लगता है। तो बस हम लोग इसी टाइप का ही खाते हैं पूरे टाइम में ही।
तो ये देखिए मैं आप लोग को दिखाई हूँ, मैं एक जग गंदा होता है तो एक जग में तेल शिफ्ट करती हूँ और छोलनी जग के अंदर डालने में भी आसानी रहती है। ये देखिए इसी टाइप का मैं तेल लगाती हूँ, चाहे पराठा हो या फिर रोटी हो। तो हम लोग प्लेन रोटी भी किसी टाइम नहीं खाते फ्रेंड्स, कभी कभी शायद ही खाएंगे। तो और मेरे हस्बैंड हैं तो खास करके मैं लगाती ही हूँ ऑयल, अगर मैं अकेले रहूँ तो मैं नहीं लगाऊंगी। कभी कभी मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, क्योंकि इस जितना ऑयल कम खाएं उतना ही अच्छा है। बट सबका अलग अलग चॉइस होता है, तो कोशिश जैसे अब हमको पसंद है वैसा बनाना नहीं चाहिए, जैसा सबको पसंद है वैसा ही कोशिश करना चाहिए कि खाना बने, जिससे कि खुशी होती है। और ये देखिए प्लेटफॉर्म पे मैं एक पेपर डालकर और इसके ऊपर ही चौकी रख के रोटी वगैरह बेली थी। आटा गिरता है तो थोड़ा सा साफ़ करने में आसानी रहती है, तो पेपर उधर झाड़ दी। झाड़ने के बाद अपने हाथ को धो ली और इसके बाद एक छोटा सा कपड़ा रखी हूँ, जिससे मैं थोड़ा सा ना फ्लोर को पोंछ दूँगी। डायरेक्ट ऑयल में किचन टॉवल से नहीं पोंछती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो पहले एक छोटे कपड़े से पोंछ दूँगी और उसके बाद फिर अच्छे कपड़े से पोंछूँगी। और समय रहता है तो पूरा चीज़ को अच्छे से धो भी देती हूँ, लेकिन कल का ही धुला हुआ अच्छे से क्लीन है। पीछे मैं टाइल्स वगैरह सब धो चुकी हूँ और कुछ भी ऐसे छीटा वगैरह नहीं गया है। ये देखिए रोटी पराठा बना फ्रेंड्स, और इसके बाद मेरी सब्जी बन गई। तो अच्छे से मैंने छोलनी से पहले चला दिया है, जिससे थोड़ा सा सब्जी मेल्ट हो जाए और अच्छे से मिल जाए। और इसके बाद कुकर को हल्का सा खंघार दे रही हूँ और इसमें ही मैं चावल भी लगे हाथ बैठा दूंगी। तो बस कुकर गरम हो रहा है और इधर मैं चावल बस एक गिलास बनाऊंगी, तो इसको भी डोंगे में लेकर अच्छे से धो दूंगी। दो तीन पानी से धोती हूँ फ्रेंड्स, चावल कितना भी साफ रहे फिर भी दो तीन बार ही धोती हूँ। और आप देख सकते हैं जो ये जो नल है ना फ्रेंड्स, एक नल अलग है और एक नल अलग है। तो ये नल मैंने अपने चॉइस से लगवाया है, जिससे कि कपड़ा कुछ भी चीज़ अगर अपन धो रहे हैं ना, बर्तन या चावल भी ऐसे, तो ज़रा भी ना छीटा वगैरह कपड़े पर नहीं आता और इधर उधर नहीं फैलता है। नल के नोक में बहुत ही अच्छा सा ना शावर टाइप का लगा हुआ है, तो ये मैं अपने चॉइस से अलग से लगवाई हूँ शिफ्ट होने के बाद। और बहुत सारा काम ऐसा है जो अभी करवाना है, धीरे धीरे करवाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए धनिया पत्ती मैं इसी टाइप का ना डब्बे में बॉक्स में करके रखती हूँ, टिश्यू पेपर लगा के, जिससे धनिया पत्ती आप 10 दिन भी रखेंगे फ्रिज में तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और बिल्कुल फ्रेश रहता है कॉलीफ्लावर लिप। और इसके बाद ये देखिए अच्छे से कुकर गर्म हुआ और इसके बाद मैंने डाला इसमें प्याज और मिर्ची, हल्का रेड कलर फ्राई हुआ। और इसके बाद डाल दी हूँ इसमें चावल, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और ज़रूरत के अनुसार पानी। तो बस सीटी आएगी, एक सीटी तो बंद कर दूंगी। और ये देखिए मेरा झटपट सब्जी बनकर तैयार है। बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग को कैसा लगा मेरा ये रूटीन, और लगे हाथ मैंने प्लेटफॉर्म को भी क्लीन किया है, सारे बर्तन को एक साइड डाली हूँ, बर्तन धो ले रही हूँ और इसके बाद एक बार और पोंछ दूंगी, फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और सुबह उठी थी इसको, इसके बाद ही मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा लिया था। तो बस खाना बस फटाफट बना रही हूँ, इसके बाद नहा के फिर ऑफिस जाऊँगी। और आज थोड़ा सा जल्दी काम इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि ना मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड भी घर पे आने वाले हैं सुबह सुबह ही, उन लोगों को रेंट पर घर चाहिए तो देख रहे हैं। तो मेरे घर के पास भी एक घर खाली है तो आने वाले हैं, इसलिए भी जल्दी से कर रही हूँ कि कहीं फ़ोन आ जाएगा तो कोई भी आएगा तो आपको 10-15 मिनट तो साथ में बैठना ही है। तो बस इसीलिए मैं फटाफट कर ले रही हूँ और हस्बैंड को चाय दी हूँ, वो रूम में ही चाय पी रहे हैं और साथ में फ़ोन चला रहे हैं, तो अभी वो भी बाहर नहीं आए हैं। मैं फटाफट काम ख़त्म कर ले रही हूँ और इसके बाद कोशिश कर रही हूँ उन लोग के आने से पहले ही नहा लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए बेसिन में बर्तन धो लेती हूँ फ्रेंड्स, और इसके बाद ना साइड के जो भी टाइल्स रहते हैं उनको भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि छींटा वगैरह पड़ जाता है। और लगभग डेली ही क्लीन करती हूँ, तो मेरा किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया, बर्तन भी सारे धुल चुके हैं। बहुत गर्मी है, आप देख सकते हैं सर पे पसीना पसीना। अब मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स नहाने, तो बस नहा के आ गई हूँ। और आप देख सकते हैं टिफ़िन भी मैंने ले लिया है, आलू सोयाबीन की सब्जी फ्राई जो मैंने किया था, उसके बाद चावल ऐड की थी चावल, और साथ में ली हूँ एक पराठा और सब्जी खाने के लिए फ्रेंड्स।
तो फिर मिलते हैं शाम को भी, और अभी का मेरा बस इसी टाइप का रूटीन था फटाफट। फ्रेंड्स मैं खाने के लिए ले ली हूँ, नहा भी चुकी हूँ, रेडी हो गई हूँ, बस न्यूज़ चल रहा है, न्यूज़ देखते देखते फटाफट खा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड इतना जल्दी सुबह नहीं खाते हैं, तो वो बाद में लेके खुद से खा लेंगे। फ्रेंड्स मेरा नाश्ता भी हो चुका है और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ ऑफिस, मिलते हैं शाम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है फ्रेंड्स इसलिए। फ्रेंड्स इवनिंग ब्लॉग है फ्रेंड्स, मॉर्निंग के बाद शाम को शूट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं, मैं खिड़की से हल्का सा शूट की हूँ। तो बस फ्रेंड्स अभी 8 बज चुका है, तो मैं घर के लिए निकल रही हूँ। बारिश बंद हुई है इसके बाद, 8 नहीं 8:30 हो चुका है। बाहर का लोकेशन है ऑफिस के। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कल सुबह का शूट किया और इसके बाद मैं नेक्स्ट डे का आज सुबह से शूट कर रही हूँ, क्योंकि शाम का मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी ऑफिस से आने के बाद में, तो मैं बारिश में भीग भी गई। घर आने के बाद बस सिर्फ मैंने चाय ही पिया, उसके बाद लाइट भी गोल हो गया, तो शूट करना पॉसिबल नहीं था लाइट गोल में, तो मैं शाम का इवनिंग का ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई। तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग का स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स अभी से। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स बताइएगा। और अभी बस मैं सुबह उठ के आई हूँ, सिर्फ फेस वॉश करी हूँ और मैं ब्रश करी हूँ और कुछ भी नहीं की हूँ। अभी सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी, चाय बनाने के बाद पराठा और बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सुबह का बस मेरा छोटा सा ही रूटीन है, तो वो भी मैं साथ में आप लोग को दिखला दे रही हूँ, क्योंकि समय कम है, अलार्म बजा था और मैंने एक बार बंद भी कर दिया है, तो अभी टोटल 8 बज रहा है, मैं 8 बजे सो के उठी हूँ। तो समय कम है, जो मैं कर सकती हूँ फटाफट करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी चलते हैं किचन में, और बाहर का मौसम मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है क्योंकि रात में ना बारिश हुई है, बाहर में रात में बारिश हुई है, इस वजह से मौसम बहुत ही अच्छा है। तो अभी चलते हैं किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ जो भी काम करूँगी आपसे शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो बस इसी टाइप का रहता है मॉर्निंग लुक मेरे किचन का। रात को मैंने सारा चीज़ क्लीन करके ही सोई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, लाइट भी गोल हुआ, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, शेयर नहीं कर पाई आप लोग से। तो बस मॉर्निंग में मैं इस टाइप का ही करती हूँ फ्रेंड्स। नीचे कुकर और कढ़ाई रखती हूँ, दोनों चीज़ की ज़रूरत है तो बाहर निकाल ले रही हूँ। और मेरी फ्रेंड जो मैं बताई थी ना कल आने वाली थी, तो वो नहीं आई थी, तो वो आ जाएगी। तो बस आज भी 8 बज ही गया है, तो बस फटाफट टिफ़िन वगैरह जगह पे रख दे रही हूँ, जो भी बर्तन को रात में धोई थी, जिससे कि थोड़ा सा सूख जाता है समय मिलने से, तो बस जमा दे रही हूँ। और जमाने के बाद फटाफट बनाऊँगी फ्रेंड्स खाना। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और प्याज, आलू प्याज बैंगन की सब्जी। तो फटाफट देखिए फ्रिज से निकाल रही हूँ दूध ही, आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स छोटे छोटे स्टेप मैंने शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताइएगा और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो 2 बैंगन मैंने लिया है और 3 टमाटर, बस अभी सब्जी में यही था फ्रेंड्स, तो यही यूज़ कर ले रही हूँ। और साथ में चाय भी बैठा रही हूँ, थोड़ा सा ही अभी चाय पियेंगे क्योंकि मेरी फ्रेंड आ रही है, कंफर्म है। तो ये देखिए मैंने चॉप कर लिया है आलू बैंगन टमाटर लहसुन, और कढ़ाई भी मेरी गर्म हो गई है। तो इसी टाइप का मैं फटाफट सूखी सी सब्जी बना रही हूँ, और यहाँ पे मेरा चाय भी बॉईल हो रहा है। दाल थोड़ा सा बचा हुआ था फ्रेंड्स, उसको भी गरम कर ले रही हूँ फ्रिज से निकाल के। मसाला शिफ्ट करने का कल भी टाइम नहीं मिला, तो आज तो कंफर्म कर ही लूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखेगा कि मैंने मसाला शिफ्ट कर लिया है। तो थोड़ा सा ही सरसों था अभी डब्बे में, तो बस मैं वही डाली हूँ तेल में, और इसके बाद लहसुन ऐड करी हूँ। फिर से मैंने 6-7 लहसुन लिया है, और इसके बाद चुटकी भर हींग, हींग के बाद डाल रही हूँ फ्रेंड्स मैं इसमें आलू। तो आलू हल्का सा बस फ्राई हो जाए, और एक आलू जो प्लेटफॉर्म पे गिर गया इसको मैं थोड़ा सा नल से धो ले रही हूँ, फिर तुरंत डाल दे रही हूँ।
क्योंकि होता है ना सब्जी डालते हैं तो एक आध सब्जी नीचे गिर जाती ही है, तो तुरंत उसको धो के फिर डाल दें। और इसके बाद ये देखिए मेरा चाय भी बन चुका है, एक चाय मेरे हस्बैंड का और एक मेरा, और यहाँ पे मेरा आलू फ्राई हो जा रहा है और दाल भी गर्म हो चुका है। तो आज आलू बैंगन का सब्जी पराठा यही बनाऊंगी फ्रेंड्स, और यही आप लोग से शेयर भी कर रही हूँ। कल रात का तो कुछ सूट नहीं कर पाई, बहुत बहुत बारिश, घर आने समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, पानी पानी पूरा गाड़ी ड्राइव करते समय। तो बस बैंगन भी ऐड कर दे रही हूँ, बैंगन भी फ्राई हो जाएगा ना हल्का सा, इसके बाद ही प्याज डालूँगी क्योंकि प्याज बहुत जल्दी ना जल जाता है तो फिर टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता, और लाइट ब्राउन होता है ना प्याज तो एक सब्जी टाइप का टेस्ट आता है, मतलब मेरा टेस्ट ऐसा है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, वही आप लोग से शेयर कर रही हूँ। बस बैंगन भी भूनने के लिए डाल रही हूँ। और ये देखिए कल भी मैंने सानी थी ना टमाटर, तो ये देखिए डब्बे में रख दी थी, तो इस टाइप का सान देती हूँ और एक से दो टाइम के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो आप देख भी सकते हैं कि आटा मेरा बिल्कुल फ्रेश था, आलू प्याज आलू और बैंगन मेरा भूज गया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड की हूँ फ्रेंड्स प्याज, और साइड वाले गैस में बैठा दी हूँ क्योंकि इधर तवा बैठाऊँगी, और साथ में दो बिस्किट ली हूँ फ्रेंड्स, दो बिस्किट चाय से ना खा लूँगी क्योंकि आज मैं नाश्ता भी घर पे नहीं करूँगी, सीधा अब ऑफिस में ही होगा, टाइम बहुत कम है, और फ्रेंड आने वाली थी जो कल वो आ जाएगी, तो उसको घर दिखाने के लिए फिर मेरे हस्बैंड जाएंगे क्योंकि मैं भी जाने वाली थी, बोली थी चलूँगी लेकिन लग तो नहीं रह रहा है काम को देखते हुए पॉसिबल, और पहुँचना भी ज़रूरी है, क्लोजिंग का टाइम है अभी तो जाना ज़रूरी है ऑफिस टाइमली। तो बस आलू बैंगन अच्छे से मेरा फ्राई हो गया है, इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दी हूँ मसाला, एक टीस्पून डाली हूँ धनिया पाउडर, एक टीस्पून डाली हूँ हल्दी पाउडर, एक टीस्पून मिर्ची पाउडर, छोटे छोटे चम्मच से ही ऐड करती हूँ फ्रेंड्स मसाला क्योंकि जितना सब्जी रहेगा उतना ही डालेंगे। और इसके बाद डाली हूँ टमाटर, थोड़ा सा टमाटर फ्राई हो जाए इसके बाद पानी भी ऐड करूँगी, और कैच का गोलकी पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी डालूँगी, फ्राई सब्जी है और थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल के ही बनाती हूँ, अगर टेस्टी लगेगा तभी मेरे हस्बैंड अच्छे से खाएंगे, और नहीं तो खा लेते हैं कि ड्यूटी गई हूँ बोलकर मुझे कुछ लगे ना, लेकिन मैं अगर घर आती हूँ मुझे थोड़ा सा भी खाना बचा दिखता है तो बहुत अफसोस होता है, ज़रूर अच्छा नहीं लगा होगा क्योंकि मेरे हस्बैंड को सिर्फ आलू का भुजिया पसंद है, पूरे टाइम आलू का भुजिया पसंद है। तो अभी ऐसा है कि आलू 30 रुपीज़ मिल रहा है और ग्रीन सब्जी ये सब सब्जी अगर ले रहे हैं तो 20 रुपीज़ में भी आ जा रहा है, तो हरा सब्जी भी खाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सब्जी भी बीच में खाते हैं। तो बस पराठा भी मेरा बन रहा है फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये भी तैयारी कर ली, और साथ में उधर जो बैंगन को मैं भूजने के लिए रखी हूँ वो तैयार हो रहा है, और इधर मैं पराठा भी डाल दे रही हूँ, टिफ़िन के लिए लूँगी, नाश्ता के लिए लूँगी और हस्बैंड को खाने के लिए बना के रख दूँगी। नाश्ता करते नहीं हैं लेकिन बोल के जाने से कि ज़रूर से करने के लिए तो कर लेंगे, और फ़ोन करके ऑफिस पहुँचती हूँ उसके बाद एक बार कॉल करके भी बोलती हूँ नाश्ता किए कि नहीं किए, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा डिले ही करते हैं कि बाद में खाऊँगा बोल के एक ही बार खाना, तो मुझे लगता है जब बन जाता है तो समय से खाना ही बेटर है। तो बस पराठा मेरा रेडी हो चुका है और दाल भी मैंने गरम करके ले लिया है, और ये सब्जी बन रही है, सब्जी अभी थोड़ा सा पानी है तो थोड़ा सा और ये सूखेगा क्योंकि बैंगन एकदम मिक्स हो जाता है तभी ये सब्जी अच्छा लगता है, क्योंकि बैंगन आलू का सूखा सब्जी है। और बर्तन किनारे कर ली हूँ और फटाफट गैस वगैरह बस पोंछ लूँगी क्योंकि अभी तावा गरम है तो धोते नहीं बनेगा और समय भी नहीं है, तो बस बर्तन भी पूरा धुल चुका है और प्लेटफॉर्म भी मैंने क्लीन कर लिया है, और सब्जी को बस चला दे रही हूँ, पोंछ ही हूँ कुछ भी चीज़ को अभी। बाहर में ना सब्जी वाला आया था और उसके पास दो सब्जी ही अच्छा था, भिंडी और बैंगन, तो मैंने लिया और उसके बाद प्लेटफॉर्म पे धो के रख दी हूँ, सूख जाने के बाद फ्रिज में रख देंगे हस्बैंड, और टिफ़िन भी अपना ले ली हूँ, और साथ में ना दूध वाले गंज में ही चाय बैठाई हूँ, बाहर में मेरे
मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड आए और मैं नहा के भी आ गई हूँ फ्रेंड्स, फटाफट रेडी भी हो गई हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है ऑफिस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी।